डिस्कस करने वाले हैं वो ट्राइग्नोमेट्री है, 11th क्लास का ट्राइग्नोमेट्री, जिसका एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। देखिए 3.2 के मैं दो पार्ट आपको दूंगा। फर्स्ट पार्ट में जो है आपका फर्स्ट और फिफ्थ तक के सारे क्वेश्चन होंगे, एंड सेकेंड पार्ट में आपका फिफ्थ से लेकर 10th तक के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए दो पार्ट में इसे कन्वर्ट किया गया है। तो पहले पार्ट में मैं आपको बात कर लूँ, पहले पार्ट में आपको केवल बताना ही होगा कि किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव रहने वाली है और उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ये रहेगा आपको, एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जाएगी और उस ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के अदर 5 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। ये हमारा जो है इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहला काम, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको एक क्वाड्रेंट की वैल्यू दे रखेगा, क्या करेगा, एक क्वाड्रेंट की वैल्यू, एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखेगा और एक क्वाड्रेंट दे रखेगा। यानी कि आपको ये क्वाड्रेंट दिया गया है। क्या क्वाड्रेंट का मतलब, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, क्लियर, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, 90 होता है, ये 90 से 180 होता है, 90 से 180 होता है, ये 180 से 270 होता है, और ये 270 से आपका 360 होता है, क्लियर। जब हम इसकी बात करेंगे, जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये एड सुगर टू, देखिए इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी एक ट्रिक बताया था, एड फॉर ऑल पॉजिटिव ए है ना, साइन यानी एड सुगर, सुगर यानी कि साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, एंड टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस हमें। आप किस क्वाड्रेंट में किस ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यू नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। इनके अलावा अदर कोई ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इनमें आता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर आइए, सीधा सीधा फंडा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है, ये साइन कॉस और ये टेन आपको पहले ऊपर लिखना है, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है एल ए एल यानी कि लाल बट्टे कक्का, जो कि मैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास की, वहाँ आपको ट्राइग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेक हो जाएगा, यहाँ पर आपका कोसेक हो जाएगा, क्लियर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए कि जो वैल्यू आपके सामने है, ये कॉस, कॉस होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, तो आपका आधार क्या है -1 और कर्ण क्या है आपका 2, क्लियर, ओके। गौर से देखिएगा, अब हमें लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब। पाइथागोरस में आपको बताया जाता है, पाइथागोरस में कहा जाता है कि कर्ण का स्फीयर बराबर लंब का स्फीयर प्लस आधार का स्फीयर, यही तो कहा जाता है। कर्ण का स्फीयर करता हूं तो मेरे पास 4 हो जाएगा, कर्ण का स्फीयर लंब का स्फीयर यही रहने दूंगा, प्लस आधार का स्फीयर करूंगा तो -1 का 1 इधर लूंगा तो 3 हो जाएगा और अंडर रूट में 3 आने वाला है, तो आपका लंब क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3, क्लियर। अब बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो आपके पास अवेलेबल हैं पहले से, उनकी वैल्यू लगा लीजिए। देखिए यहां पर देखिए साइन की वैल्यू देखते हैं तो लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब आपके पास है अंडर रूट 3 और कर्ण आपके पास है 2, ठीक है। कॉस की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, टेन की ले लीजिए, टेन एक्स, टेन की वैल्यू लेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब है हमारे पास अंडर रूट 3 और आधार है -1 तो -√3, ठीक है, ये हो गया। अब आप आ जाइए कॉट पर, एक्स की वैल्यू देख लीजिए, कॉट एक्स में करना क्या है, आपको इसे चेंज कर देना है, टेन की वैल्यू जो होती है -1/√3 हो जाएगी, क्लियर है सर, टेन की हो गई, कॉट की हो गई। अब सेक की बात आती है, सेक एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो सेक एक्स में करना क्या होगा आपको, यहाँ पर देखिए सेक एक्स में करना यह है कि इसके अपॉन में इसे रखिए, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपके पास क्या है 2, क्या है -1, तो ये -2 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब कोसेक की बात कर लीजिए, कोसेक की बात करेंगे, कोसेक एक्स में आप जानते हैं क्या कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपके पास 2 है, 3 है, तो माइनस की वैल्यू देख लेते हैं, कोई माइनस की वैल्यू तो नहीं है। अब हमें करना यह है कि अब हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, सॉरी ट्राइगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट में देखना यह है
कि आपका जो चौथे क्वाड्रेंट तीसरे क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू है क्या वो ऐसे ही रहने वाली है या चेंज होगी। तो तीसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं टेन और कॉट सेम रहेंगे यानी पॉजिटिव रहेंगे, बाकी अदर जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए साइन है नेगेटिव हो जाएगा, टेन है ऐसे कैसे रहेगा, कॉट है ऐसे ही रहेगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रही आपकी आंसर, ये होंगे आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का, पांच क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आपको फिर भी अगर कोई डाउट रहता आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 101% और आपके डाउट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, साइन की वैल्यू देख लीजिए। देखिए एक ट्राइंगल की रेशियो से कराया था आपको, अभी मैं क्या करने वाला हूँ इसे फॉर्मूला बेस से करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास साइन एक्स है, साइन एक्स 3/5 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9/25। क्लियर, जब मैं इसे करूंगा फॉर्मूले से खोल दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 - cos² x, तो 9/25 हो जाएगा। क्लियर, 1 - 9/25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos² x। क्लियर, यहाँ पर बचेगा आपका 16/25 और यहाँ पर बचेगा cos² x। जब मैं cos x की वैल्यू निकालूंगा, क्या वैल्यू मिल जाएगी 4/5, यानी कि आपका साइन की वैल्यू आपको ये रही। क्लियर, ओके, कॉस की वैल्यू आपको ये रही। अब मुझे निकाल लीजिए टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू निकाल लीजिए, टेन एक्स होता है दोनों का अपॉन में रख दी साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू 3/5 और यहां पर हो जाएगा 3/4, दोनों को अपॉन में रखूंगा, इसको इसके अपॉन, इसको इसको अपॉन में रखूंगा तो कॉट की वैल्यू देखूंगा तो उल्टा कर दीजिए, कॉट का क्या होता है टेन का उल्टा होता है तो 4/3 हो जाएगा। sec का देख लेता हूं, sec x की बात करता हूं तो cos का उल्टा होता है 5/4 हो जाएगा, और cosec की बात करूंगा 3। देन ये आपके आंसर मिल गए मुझे, बट अब मुझे देखना है कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव रहने वाला है। क्लियर, तो देखें कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में, दूसरे क्वाड्रेंट में एड sugar टू कॉफी, यानी कि आपके पास साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो देखें कॉस की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, कोसेक का पॉजिटिव रहेगा, ये सही है, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगी, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पॉजिटिव रहेंगी, साइन की और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये रहे आपके आंसर, ओके, इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें, सिंपल फंडा, कॉट एक्स आपके पास है 3/4 आपको दे रखा है। क्लियर, ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में आएंगे आप, ट्राइंगल में एल ए एल के ए लाल बट्टे कक्का, यानी कि यहां पर एस सी टी और सी एस सी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर, तो अब हमें कॉट है हमारे पास, कॉट की वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी, आधार बटे लंब, तो आधार आपके पास क्या है 3 और लंब आपके पास क्या है 4, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं प्लस करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर, बाकी सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए बाकी सबकी वैल्यू निकाला, साइन साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कट, तो लंब आपके पास है 4 और ये 5, ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू निकाल और कट आपके पास 5, ठीक है, टेन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टेन एक्स का हो जाएगा 4/3 क्योंकि इसका उल्टा होता है। क्लियर, ठीक है, 4/3, अब हम निकालेंगे कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये हो sec की वैल्यू, sec x की वैल्यू देखेंगे तो cos x का उल्टा होता है 5/3। क्लियर, अब हम यहां पर देखेंगे cosec x की वैल्यू, cosec x, cosec x होता है साइन का उल्टा, तो साइन की वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो ये 5/4 हो जाएगा। क्लियर, यहां पर ये वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें करना ये है कि हमें क्वाड्रेंट में देख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में है, भाई तृतीय क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहां पर है, यहां पर क्या होता है टेन और कॉट, टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा, एक तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा और आपका एक ये वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब की वैल्यू बदल दी जाएगी, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, sec x आपके पास है अवेलेबल है, तो देखें वही एल ए एल के ए। क्लियर, sec x की बात कह रहा है, तो sec x यहां आएगा, cos x तो यहां आने वाला है, तो k के ए है ये, k के ए, तो कड़ बटे आधार,
जब हमारे पास है कड़ बटे आधार, कड़ है आपके पास 13 और आधार है आपके पास 5, यही तो है। 169 माइनस 5 और 144 जो होता 12 का स्क्वायर होता, तो यहां पर 12 आ गया। क्या आ गई? 12 वैल्यू आ गई। देखिए साइन की वैल्यू, साइन एक्स इज इक्वल टू लंब बटे कड़, तो लंब आपके पास 12 है, कड़ आपके पास 13 है, ठीक। कॉस एक्स की वैल्यू देख लीजिए, कॉस एक्स की आधार बटे कड़ 13 है। टेन एक्स की वैल्यू देख लीजिए, टेन एक्स की आ गई आपके पास 12/5, क्लियर। कॉट एक्स की वैल्यू देख लीजिए, कॉट एक्स का उल्टा हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब आप देखिए कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स की वैल्यू देख लीजिए, सेक एक्स की है 13/5, ठीक है। सेक एक्स और कुसेक एक्स की देख लीजिए, कुसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा हो जाएगा, यानी 13/12, क्लियर। ये आपकी वैल्यू निकल आई। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, चतुर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें, इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नहीं चेंज होते, यानी कॉस और सेक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव के पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव। कॉस नहीं चेंज होगा, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव और सेक पॉजिटिव। तो ये दो वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है, यानी कॉस और सेक, ये वाली दो वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है, बाकी सब बदल जाएंगे। ओके, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 10x बराबर होता है लंब बटे आधार, एल ए एल के के ए, तो लंब बटे आधार होता है 10। तो देखें जब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, यहां पर ट्राइंगल बनाया तो लंब आपके पास क्या है -5 और आधार है, इन दोनों का स्क्वायर करके मैंने जोड़ा तो 13 आएगा। यहां पर सेम वैल्यू अभी आने वाली है, तो ये होगा, ठीक है। अभी हमने यहां पर देखा -12 लंब बटे कट, तो लंब बटे कट के लिए आप क्या करेंगे, साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या है, लंब बटे कट, तो लंब आपके पास -12 और ये 13 कट। कॉस एक्स की बात करेंगे, कॉस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा आधार बटे कट, आधार आपके पास 12 और कट आपके पास 13, क्लियर। 13 से 13 -5/12। अब कॉट एक्स, एक्स का उल्टा होता है तो 12/5, वो भी माइनस का, ठीक है। अब सेक एक्स की बात कर लेते हैं, तो 13/12, क्लियर। अब कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है साइन एक्स का उल्टा, तो साइन एक्स 13/5, वो भी माइनस का, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की, दूसरे चतुर्थांश यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, तो देखो एक ये वाली वैल्यू नहीं चेंज होगी और एक ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी सबके साइन बदल जाएंगे, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, इसी तरीके से आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके 5 क्वेश्चन की सीरीज। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप 7500410 मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर क्वेरीज का जवाब नहीं दे पाता हूं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिस वीडियो में आपकी क्वेरी कवर हो गई होंगी, ठीक है। इसी प्रकार की आपके वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रीवियस सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।